केक के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ये 100 ग्राम मैदा, 200 ग्राम कंडेंस मिल्क है, 2 टेबलस्पून बटर है, सॉल्टेड बटर है। अनसॉल्टेड बटर अगर आप लेते हो तो उसमें आपको पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। 80 ml मिल्क लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून विनेगर है, वाइट विनेगर। वाइट विनेगर नहीं रहेगा तो एप्पल सीडर विनेगर भी आप ले सकते हो। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस लिया है। कलर पिंक कलर लिया है, ऑप्शनल है, अगर आपको रिक्वायर्ड रहेगा तो आप डाल सकते हो, इधर आप स्किप भी कर सकते हो। एक छोटा सा बाउल लेकर मैं मिल्क जो है हमें स्लाइटली वार्म करके लेना है। बहुत ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स के लिए टाइमिंग लगाना है, माइक्रो पावर मोड। डायरेक्टली आप टाइमिंग लगा दे दो ना 30 सेकेंड्स का तो भी वो माइक्रो पावर मोड पे चला जाएगा। मिल्क हमारा ऑलमोस्ट वार्म हो जाएगा तो हम इसको साइड में रख देंगे। हल्का सा गर्म हो गया मिल्क, इसको हम साइड में रख देते हैं। एक बाउल में हम बटर ले लेंगे, बटर में बटर पहले हम स्लाइटली उसको स्मूथ कर लेंगे विस्कर की हेल्प से। हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क ऐड करके हम इसको भी विस्क कर लेंगे। ये स्लाइटली विस्क करके लिए है। अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हमें विस्क करके लेने हैं। ये जो मैदा है 100 ग्राम उसको हमें छान के लेंगे, कम से कम 2 से 3 बार करेंगे तो हमारा जो केक है वो काफ़ी अच्छे से फ्लफी हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे वैनिला एसेंस, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड कर देंगे। मैदे के साथ हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, थोड़े से बेकिंग सोडे में लम्स रह जाते हैं तो वो क्लियर कर लेंगे। ये स्लाइटली थोड़ा सा विस्क कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वार्म मिल्क, और ये जो व्हाइट विनेगर है वो। व्हाइट विनेगर डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे, हल्का सा मिक्स करके इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए जैसे हमने विनेगर ऐड किया, तो जो दूध है वो फटने का काम करना चालू हो गया। स्लाइटली हम पिंक कलर ऐड कर देंगे, इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हो। ये जो हमने टीम ग्रीस करके लिया है इसमें हमारा बैटर पोर कर लेते हैं। माइक्रोवेव ऑलरेडी हमने प्री हीट कर लिया था तो जस्ट लो रैक रखना है, जो हमारा रूटीन है वो रखना है।
मोड पे 170 डिग्री पे 30-35 मिनट्स के लिए हम बेक करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा केक बनके रेडी है। प्रॉपर स्पॉन्जी भी हो गया है ये। अब हम इसको आइसिंग कर लेंगे। जस्ट ये ऊपर का जो पोर्शन है स्लाइटली वो कट कर लेते हैं। इसको टू पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे ये रोज मिल्क मैंने बना लिया है। इसमें 150 ml मिल्क लिया है, 100 ml कंडेंस मिल्क एंड 2-3 टेबल स्पून रोज वाटर, रोज सिरप लिया है। हमारा जो केक है ये मैंने टू पार्टीशन में कट कर लिया है। जो हमारा नीचे का बेस है इसे हम प्रॉपर मिल्क, ठीक है ठीक है, रोज मिल्क से इसे सोक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये व्हिप क्रीम करके बिट करके ली हुई है, जस्ट पाइपिंग बैग में स्टोर कर लेते हैं। सेकेंड वाला लेयर अभी हम रख के इसको भी मिल्क रोज से सोक कर लेंगे। थोड़ा सा रोज मिल्क हम ऊपर से पोर कर देंगे। देखो जिंगल तो सी फ्रेंड्स, हमारा रोज मिल्क केक बन के रेडी है। नेक्स्ट टाइम बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय। Panasonic।